में सपा प्रत्याशी अक्षय यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी को मात देकर जीत दर्ज की। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद कृषि उत्पादन मंडी समिति में लोकसभा की मतगणना को लेकर सपा के प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पूर्व बेटे व पूर्व सांसद अक्षय यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार ठाकुर विश्वदीप सिंह को लाखों वोटों से पछाड़कर जीत हासिल की। वहीं समाचार 24 से खास बातचीत में बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मेरे ऊपर पार्टी का आशीर्वाद रहा, साथ ही फिरोजाबाद की जनता जनार्दन ने मुझे इतना प्यार दिया है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर बात करें विकास की तो जनपद फिरोजाबाद में विकास की गंगा बहाऊंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट कार्यकर्ता मायूस होकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बसपा का वोट बैंक था वो सपा के खाते में पहुंच गया। अगर सूत्रों की माने तो सांसद प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह कार्यकर्ता नाराज थे, जो समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव के मतगणना से वापस लौटे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी की लहर दौड़ गई। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। ये जनादेश है साहब, लोकतंत्र में जनता ही जनादेश है, जनता का जो आदेश है वो शर्मा थे। कहाँ कमी रही, कहाँ कमी कहाँ रही, इसकी तो बैठ के समीक्षा होगी कहाँ कमी रही। लेकिन जनता का आदेश ये है कि जनता ने यहाँ से अक्षय यादव को बेहतर उम्मीदवार समझा, उनको वोट दिया। हमको अभिषेक सिंह, लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी का तो मुझे मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय स्तर का मसला है। मेरी बात है, मैंने पूरे विश्वास के साथ लोगों के पास पहुंचने की कोशिश की और जिस तरीके से मैं लोगों के पास पहुंचा लोग उससे प्रभावित भी थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं उतना लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए। क्या मानते हैं आपके, आपको टिकट देर में मिली? टिकट देर में मिली हुआ ठीक है, लेकिन प्रयास पूरा हुआ। सवाल टिकट का नहीं है, सवाल जब राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ती होती हैं तो बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर वोट होता है। आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन पहले ही एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि 400 पार कहीं हो रहा है, अब झगड़ा 300 पर भी बढ़ा हुआ है। मतलब तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमारी पार्टी से कुछ लोगों की नाराजगी रही है। तो सर, आपका मानना है कि एग्जिट पोल भी गलत थे? मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जिट पोल्स गलत थे, जिन्होंने प्रयास किया अपने तरीके से सच्चा प्रयास किया होगा। लेकिन सारे एग्जिट पोल्स सैंपल के ऊपर डिपेंड करते हैं, सैंपल साइज अगर कम है तो सत्य के उतना नजदीक नहीं पहुँचा सकता, सत्य के करीब पहुंचने के लिए सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। अब जब चुनाव लड़े तो हमने एक बात कही थी, चौधरी बसी बोलते हैं लेना तो हमारी जीत पक्की है, मुझे नहीं मालूम कि चौधरी बसी साहब को मुसलमानों ने क्यों नहीं वोट दिया या उनकी पार्टी के लोगों ने क्यों वोट नहीं दिया, ये इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो पार्टी की रणनीति होगी वो हमारी रणनीति होगी। हम लोग तो बैठ के परीक्षा करेंगे कहाँ कमियाँ रही, उन कमियों को सुधारने के बाद मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ाने का मौका दिया, लड़ने का मौका दिया और यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ जिसने अपना चुनाव समझकर यहाँ पे चुनाव लड़ा। जिस तरह से वैश्य समाज और ये दलित लोगों ने आपको वोट दिया तो क्या किस तरह से वोट करना? बिल्कुल, यहाँ की फिरोजाबाद की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, नौकरियाँ चाहिए थी, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके बदले के रूप में और संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने का काम। ये पीडीए का कितना कारगर रहा? पीडीए इसमें बिल्कुल कारगर रहा है, आप उत्तर प्रदेश और पूरे देश में देखेंगे। आज हम लोगों को लग भी रहा है कि शाम तक जो रिजल्ट आएगा उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। फिरोजाबाद की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिरोजाबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्नेह प्यार और जो मतदान करा और चुनाव लड़ने का काम यहाँ की जनता ने खुद करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।